हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, अब ये पर्सन आपके बारे में या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके बारे में आपकी पीठ पीछे अपने दोस्तों से, लोगों से, परिवार वालों से क्या कोई बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये सभी चीज़ों को आज रीडिंग में कवर करा जा रहा है। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है, जिनके बारे में आप ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ये अब लोगों से, दोस्तों से अब आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या कोई बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। रीडिंग पूरी तरह से जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो हर बात में आपको फिट नहीं होना है। जितनी बात आपसे रिलेट करती है, आपके दिल को छूती है, बस उतना लेकर बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। क्राइटेरिया कोई भी नहीं है रीडिंग को लेकर, यानी कि मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आपके एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज टाइम मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का आप लोगों से, दोस्तों से, व्यूअर्स के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में अब कुछ कहना है या नहीं, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। फाइट कीजिए, बताइए फाइटिंग, करेज, वी आर द वर्ल्ड, लेट गो, प्रोजेक्शन एंड बॉटम की एनर्जी है द बर्थ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज एलिएंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब लोगों से, दोस्तों से, इस कनेक्शन के बारे में, व्यूअर्स के बारे में कुछ कहना है या नहीं और क्या कहना है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ग्रोथ, सोलमेट, डेस्टिनी, ट्रिकरी, वैनिटी एंड बॉटम की एनर्जी है डिस्पोरेंस। ओके, तो सबसे पहले राशियां डिस्कस कर लेते हैं व्यूअर्स। जैसे कि ये है आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये लियो, ये आपका अर्थ एलिमेंट यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये आपका वाटर एलिमेंट यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो अभी मुझे यहाँ पर ये राशियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं अभी और कार्ड्स निकालूंगी, देन हम वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर्स के बारे में बात करी जाए तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 7 यानी कि आपका जुलाई मंथ, ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इसी मंथ में मिले थे, इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, या इसी मंथ में आप दोनों के बीच में कुछ मेजर हुआ, चाहे अच्छे वे में हुआ हो, बुरे वे में हुआ हो, 7 साल का रिश्ता है, 7 महीने से आप लोग अलग अलग हो, या फिर टोटल 7 साल तक ये रिश्ता आपका रहा, जिसमें कुछ पल साथ रहे तो कुछ पल आप दोनों के बीच में दूरियां भी रही हैं, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। अब सवाल पर आते हैं कि क्या ये पर्सन लोगों से, दोस्तों से आपके बारे में, आपके पीठ पीछे कोई बात करते हैं अब या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये पर्सन आपके बारे में, आपके पीठ पीछे बात करते हैं, बिल्कुल ये पर्सन किसी न किसी तरह से आपका टॉपिक ये ज़रूर से उनके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि इस पर्सन की इच्छा अब खुद से आपके बारे में बात करने की होती है, जिसके चलते कोई ना कोई तरीका ये ढूंढ ही लेते हैं जिससे आपके बारे में बात हो जाए। और उसके पीछे की भी वजह ये है कि क्योंकि ये पर्सन ना अब आपके बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी हासिल करने के लिए ये पर्सन किसी न किसी तरह से आपका टॉपिक लेकर आते हैं, जिससे कुछ ये अपनी कहें और उससे कहीं ज़्यादा इन्हें आपके बारे में पता चल सके। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि ये पर्सन एक वक्त पे डेफिनेटली इनका आपके साथ जो भी रिश्ता था ये उसे समझ नहीं पा रहे थे, यानी कि आप दोनों का रिश्ता ऐसा फिजिकल तौर पर नहीं था, या आप दोनों एक बॉडी के तौर पर एक दूसरे से नहीं जुड़े थे। यहाँ पे आप दोनों का ये जो भी रिश्ता था ना, वो दिल से दिल का था, यानी कि सोल लेवल तक का ये
रिश्ता था, ऐसा नहीं था कि आप किसी ब्लड रिलेशनशिप में थे, खून का रिश्ता था, ये ऐसा रिश्ता था जो सोल लेवल तक इतना करीब पहुंच चुका था, इतना करीब था जिसे इन्होंने ना यहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उस चीज़ का जो बर्डन होता है, उस चीज़ का जो स्ट्रेस इनके सीने पर, इनके कंधों पर है, ये पर्सन अक्सर उसके बारे में अपने लोगों से, दोस्तों से बात करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन जैसे अब उन्हीं चर्चाओं के बारे में बात करते हो कि आप दोनों कितने एक दूसरे के जैसे थे, कितने सिमिलैरिटीज़ थी आप दोनों के बीच में। हो सकता है यहाँ पर आप दोनों की राशियाँ सेम हो, आपका नेचर सेम हो, आपकी जो हॉबीज़ हैं या जो आपको पसंद नहीं है, दोनों का काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो, तो ये पर्सन ना अब लोगों से, दोस्तों से उस बारे में बात करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के जैसे थे, एक दूसरे की तरह हम दोनों की सोच थी, जैसे कि हम दोनों ना एक दूसरे को आईने में देख रहे हो, एकदम मिरर करते थे। वो भी बहुत गुस्सा करती थी या करता था और मुझे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर तुरंत गुस्सा आ जाया करता था। तो ये पर्सन ना पास्ट में जिस चीज़ को कहीं ना कहीं एज अ कमियाँ लेकर चल रहे थे कि भाई ये हम दोनों के रिश्ते में कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उसे अब ये पर्सन आपके अलग होने के बाद, दूर होने के बाद ये पर्सन उस चीज़ को बेनतहा मिस करते हैं, इसीलिए ये पर्सन उसके विषय में बहुत ज़्यादा बातचीत भी करते हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि एक वक्त पे ना आप दोनों के बीच में हालांकि ये सिमिलैरिटीज़ थी, लेकिन एक वक्त पे इन्हें ऐसा लगने लगा था कि आप इन्हें कॉपी कर रहे हो, आप इनके जैसा बनना चाह रहे हो, इनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। भले शुरुआती तौर पर वो चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ इन्हें ऐसा लगने लगा कि ये सब क्वालिटीज़ हैं जो इनके अंदर हैं और आप इन्हें जस्ट फॉलो कर रहे हो, इनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक वक्त पे इस पर्सन के मन में वो अहंकार, वो घमंड आ गया था, जिसके चलते भी चांसेस हैं इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, आपसे फाइट करनी शुरू कर दी हो। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस रिश्ते को कुछ भी अगर खराब, किसी चीज़ ने अगर ख़राब करा है ना, तो वो इस पर्सन के घमंड ने, इस पर्सन की धक्यानुसी सोच ने, उसने ख़राब करा है। तो ये पर्सन हालांकि इस चीज़ को तो नहीं बोलते हैं अपने लोग, दोस्तों से, अपनी तरफ के लोगों से, लेकिन हाँ ये उन पलों को याद करके आपके बारे में डेफिनेटली उनसे बात करते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, दोनों एक को उठाकर दूसरे को बिठा दिया जाए, मतलब आप दोनों उस तरह से एक दूसरे से मेल खाते थे। और ये पर्सन ना ये भी अब कहते हैं कि लेकिन ये फिर भी ना उस पल में इस चीज़ को समझ नहीं पाए, इन्हें ऐसा लगने लगा कि आप इन्हें कॉपी कर रहे हो या आप इनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, और इसीलिए इसी इनसिक्योरिटी की वजह से, इसी घमंड की वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपको लेट गो करना, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये बताते हैं लोगों से, दोस्तों से कि कहाँ तो इन्हें आपके लिए फ़ाइट करनी चाहिए थी, इस रिश्ते के लिए इन्हें स्ट्रेंथ जुटानी चाहिए थी, कहाँ इन्हें अपनी दुनिया को पूरा करने के लिए, जो आप इनके बन गए थे, अपनी डेस्टिनी को सुधारने के लिए फ़ाइट करनी चाहिए थी, और कहाँ इन्होंने सब कुछ यहाँ पर अपने घमंड के चलते सब कुछ छोड़ दिया, लेट गो कर दिया। यानी कि ये पर्सन ये बताते हैं कि मेरे कंधे पर हमेशा इस चीज़ का स्ट्रेस, इस चीज़ का बर्डन रहेगा कि मैंने उसके लिए, इस रिश्ते के लिए फाइटिंग नहीं करी, हिम्मत नहीं जुटाई, एफर्ट्स नहीं करे, अपनी दुनिया, अपने सपनों को पूरा करने की बजाय मैंने उसे बहुत आसानी से जाने दिया। वो चीज़ें मुझे आज तक निराश कर जाती हैं, आज तक मुझे इस तरह से हिला जाती हैं, झंझोड़ जाती हैं, जिसके बाद मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरी दुनिया तबाह हो गई, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाया या कर पाई, यानी कि सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था और सब कुछ मैंने फिसलने भी दिया, मैंने सब कुछ जाने दिया। तो ये पर्सन ये बताते हैं, और ये भी बताते हैं इसकी सिंपल सी वजह ये थी कि मुझे ऐसा लगने लगा था मैं ही यहाँ पे देवता हूँ या मैं ही यहाँ पे सब कुछ करने वाला हूँ या वाली हूँ, मैं ये नहीं समझ पाया या ये नहीं समझ पाई कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहकर पूरे थे या हम दोनों एक दूसरे की दुनिया थे, हम दोनों अगर एक दूसरे के साथ रहते तो आज हम दोनों की डेस्टिनी शायद कहीं और ही होती, हम
दोनों आज शायद कहीं और ही होते या ये रिश्ता आज किसी और ही तरह से ग्रो कर रहा होता, इसमें ग्रोथ दिख रही होती। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की साइड से, एक ऐसी सोच यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, जैसे कि मन में एक अफसोस है कि लड़ नहीं पाए, मन में एक स्ट्रेस है कि लड़ नहीं पाए, एफर्ट्स नहीं करे, हिम्मत नहीं जुटाई, उस वक्त पे स्टैंड नहीं लिया। वो चीज़ें इस पर्सन के मन में एक बोझ की तरह है और उस बोझ को हल्का करने के लिए ये अक्सर अपने दोस्तों से, लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के केस में ये भी चांसेस हैं कि ये इस चीज़ को डायरेक्टली वे में ना बोलकर ऐसे बोलते हो कि कुछ कोशिश उसकी तरफ से नहीं हुई तो कुछ मेरी तरफ से नहीं हुई, क्योंकि दोनों एक जैसे थे ना, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें आज इस मोड़ पर आकर रुक रही हैं या दिख रही हैं। तो ये पर्सन ऐसा बताते हैं, बोलते हैं। ये भी बताते हैं कि होना हो इस सेपरेशन से, इस दूरी से, ये इतना तो समझ गए हैं कि इनकी असल मायने में दुनिया कौन था या क्या थी, ये चीज़ें तो ये पूरी तरह से समझ गए हैं, जिसे शायद उस वक्त पे ये समझ नहीं पा रहे थे, समझकर ना समझ बन रहे थे, लेकिन अब इस चीज़ को ये पूरी तरह से समझ गए हैं। ये कहते हैं कि अब तो उसकी यादें बस यादें ही बनकर रह गई हैं, क्योंकि ना वो दिखाई देती या देता, ना उसका साथ, ना कोई अब फ्यूचर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अब कुछ पहले जैसा भी हो पाएगा। ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं उससे लड़ा या मैं उसके लिए नहीं लड़ पाया या पाई, अब तो मैं हर पल हर घड़ी अपने आप से भी जैसे लड़ ही रहा हूँ या लड़ी रही हूँ, यानी कि मेरी ज़िंदगी खुद के लिए अब एक जंग के बराबर हो गई है। ये ऐसा भी बताते हैं लोगों को, दोस्तों को। ये बताते हैं उस वक्त पे मुझे ऐसा लगा या मेरे मन में ये बात आई कि मैं उसे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानी से आगे बढ़ जाऊंगा या बहुत आसानी होगी मेरे लिए मूव ऑन करना, लेकिन उससे दूर जाकर मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ, यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैं उससे मूव ऑन करने चल दिया या चल दी। तो ये बताते हैं, यानी कि मैंने उसे ना अपने आगे हमेशा बहुत छोटा समझा और अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझा, और कहीं ना कहीं मेरे इसी सुपीरियर बनने के चलते, मेरे इसी घमंड के चलते यहाँ पर मैं यहाँ पे अपने एक अलग ही रास्ते पर निकल पड़ा या निकल पड़ी, और वही रास्ता आज मुझे ये एहसास दिला रहा है कि मैंने कितनी बड़ी भूल करी या मैंने क्या कर डाला। तो ये पर्सन ना ये चीज़ें बताते हैं, थोड़ा भावुक होते हैं उस पल में, उस घड़ी में, ऐसा भी देख पा रही हूँ। और मुझे कुछ पॉइंट पर ये चांसेस दिख रहे हैं, इनके ये भावुक होने के पीछे की वजह यही है ताकि इन्हें आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए। और उसके अलग ये भी मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली ये पर्सन पहले उस लेवल पर आपके साथ को आपको नहीं समझ पाए जितना ये आपकी दूरियों से समझ पा रहे हैं, अपनी गलतियों से समझ पा रहे हैं। तो ऐसा भी मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, और देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड बॉटम है आपका द लवर्स। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में ऐसी एनर्जीज आई है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, आप दोनों डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है। नंबर 6 यानी कि जून मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये पर्सन ये चीज़ें समझ गए हैं कि आप दोनों का ये जो भी कनेक्शन है वो बहुत ही डेस्टाइंड कनेक्शन है, यानी कि ये कनेक्शन ऐसा नहीं है कि आप दोनों यूं ही रास्ते पर चलते हुए मिल गए, भले आपके जो मिलने का तरीका था वो बहुत साधारण सा रहा हो, लेकिन ये पर्सन अब इन दूरियों से जो समझ पा रहे हैं ना कि ये रिश्ता जो भी है वो आपका एक डेस्टाइंड रिलेशनशिप है, ये पर्सन उस चीज़ को बताते हैं कि उस डेस्टाइंड रिलेशनशिप के लिए लड़ नहीं पाए, बजाय लड़ने के ये पर्सन अपनी खुशियाँ, अपनी स्टेबिलिटी, अपना सुकून कहीं और ढूंढने
के लिए निकल दिए आपको आपके बुरे हालातों में छोड़कर, इवन आपसे लड़कर। देखिएगा यहाँ पे ये पर्सन आपको इस हालत में छोड़कर गए अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, अपने सुकून की तरफ। तो ये पर्सन ये बताते हैं कि जो मैंने फैसला उस पल में, उस घड़ी में लिया, या जो गलती मैंने उस पल उस घड़ी में ली, वो गलती तुम मत कर देना, क्योंकि वो गलती का जो असर मेरी ज़िंदगी पे पड़ा है, मेरी जो भी ज़िंदगी में ग्रोथ भी थी ना, वो जिस तरह से रुकी है वो मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। यानी कि मेरी ज़िंदगी का ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं तुम्हारे साथ बांट रहा हूँ, या मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि इस एक्सपीरियंस ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मुझे सोचने समझने का भी मौका नहीं दिया, कुछ भी चीज़ें मुझे सही करने का भी चांस यहाँ पर नहीं दिया। तो ये ऐसा बताते हैं, ये बताते हैं कि उसके सिवा कहीं दिल लगता ही नहीं है। एज एन मेरा दिल जैसे कि उसके बिना उस वो नहीं है, तो मेरा दिल भी अब पूरी तरह से बंद हो गया है। जिस चीज़ का एहसास मुझे उससे बहुत दूर, मीलों दूर आने के बाद फील हो रहा है। और ये पर्सन ये बताते हैं कि वो अभी भी मुझे अपनी तरफ खींच रही है, उसकी एनर्जीज, उसकी यादें मुझे अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन मैं इतनी आगे चला आया हूँ या चली आई हूँ कि मुझे लगता नहीं कि मेरी वापसी करना अब इतना आसान होगा या सही होगा। तो ये ऐसा बताते हैं लोगों को, दोस्तों को। टाइप कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और क्या बताते हैं लोगों को, दोस्तों को। प्लीज़ डिवाइन मुझे टाइप कीजिए। फाइव ऑफ हैंड्स एंड बॉटम है एट ऑफ सोर्ड्स। देखिए नंबर 5 यानी कि मई मंथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी है। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी। देखिए मुझे यहाँ पे ये चांसेस दिख रहे हैं कि इस पर्सन ने ना आपके लिए फाइटिंग इसीलिए नहीं करी एक वक्त पे, क्योंकि यहाँ पर वजह बहुत सारी थी, वजह एक नहीं थी या लोग बहुत सारे थे, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। ये पर्सन उन चैलेंजेस को देखकर जैसे डर गए, या फिर वहाँ पर इन्होंने एक आसान रास्ता ढूंढा आपको छोड़ने का, आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का, क्योंकि अहंकार तो डेफिनेटली इस पर्सन के मन में कूट कूट कर उस पल में भरा पड़ा था। लेकिन अब ये पर्सन ये बताते हैं कि वो रीज़न बताते हैं कि ये क्यों मूव ऑन करके गए। ये बताते हैं उस पल में कि एक्चुअली में इनके अंदर उस पल में वो स्ट्रेंथ नहीं थी, वो करेज नहीं थी कि ये आपके लिए अपने परिवार वालों से लड़े, या उन चैलेंजेस से फाइट करें, उनसे लड़ें जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। जबकि ये हालांकि समझ पा रहे थे कि आपके साथ का ये जो रिश्ता है वो सोल लेवल तक है, एक सोल सेटिस्फेक्शन वाला रिश्ता है, लेकिन फिर भी ये उस चैलेंजेस से, क्योंकि फाइट करने की हिम्मत नहीं रख पा रहे थे, इसीलिए इस पर्सन ने उस पल में ये डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का। लेकिन ये डिसीजन इन्हें इस कदर स्टक कर देगा, ये इन्हें पता नहीं था, इस चीज़ का इन्हें एहसास नहीं था। यानी कि दूर जाकर मैं उस तक ही स्टक रहूँगा या रहूँगी, इसका मुझे आइडिया नहीं था, ये ऐसा बताते हैं। एज एन कि उसकी यादों ने, उसके वादों ने, या उसके साथ देखे हुए सपनों ने, जो वादे मैंने उसके साथ करे, जो पल मैंने उसके साथ बिताए, वो मुझे इस कदर स्टक कर देंगे कि मैं कहीं और वो सुकून पा नहीं पाऊंगा या पा नहीं पाऊंगी, इसका मुझे आइडिया नहीं था। तो ये पर्सन ये बताते हैं लोगों को, दोस्तों को। व्यूअर्स के पर्सन और क्या बताते हैं अपनी साइड के लोगों को, दोस्तों को, इस कनेक्शन के बारे में। देखिए राशियां तो अभी सभी हो गई हैं, तो वापस से राशियां डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये पर्सन ना ये बताते हैं कि जो भी हुआ, जो भी मैंने अपनी किस्मत पलटी, उसकी किस्मत पलटी, अपनी बसी बसाई दुनिया को जो मैंने बर्बाद करा, उसका स्ट्रेस मेरे कंधों पर है, उसकी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर है। हालांकि मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करता या करती, लेकिन हाँ अंदर खाने तो मुझे पता है, इन सभी गलतियों की ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर है। ये बताते हैं वो बहुत मासूम थी या बहुत मासूम था, उसने मुझसे सिर्फ प्यार करा था, या उसका शायद मैं पहला ही प्यार हूँ, तो ये भी बताते हैं।
एज एन कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, उसने मुझ पर बहुत भरोसा करा। देखिए आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन मैं जिस तरह से मुझसे बोला जा रहा है मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ कि ये बताते हैं कि वो पूरी तरह से मेरे लिए दीवानी थी, मतलब पूरी तरह से मेरे लिए पागल थी या पागल था, मेरे लिए हद से ज़्यादा इमोशनल थी, मुझे दूर जाते हुए देख नहीं पाती थी, मुझे अपने से रूठते हुए देख नहीं पाती थी या पाता था। वो इस रिश्ते को पता नहीं क्या क्या नाम देती थी, पता नहीं इस रिश्ते को क्या क्या पुकारती थी कि हम सोल लेवल तक कनेक्ट है या हम लोग इस रिश्ते में हमेशा के लिए बंधे हैं, 7 जन्मों का हमारा रिश्ता है, पता नहीं वो क्या क्या चीज़ें बताती थी जिस चीज़ पर मुझे उस पल में भरोसा नहीं होता था या शायद मुझे हंसी भी आ जाती थी। लेकिन अब जब मैं इन हालातों को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तो मैं समझ पा रही हूँ या पा रहा हूँ कि हाँ, उसकी हर एक बात में कहीं ना कहीं कोई तो सच्चाई थी, क्योंकि वो सभी बातें मुझे एक स्ट्रेस के तौर पर प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा या पा रही, या शायद अब मैं कुछ करना भी नहीं चाहता या चाहती, क्योंकि मुझे लगता है वापस से उसे वही तकलीफ़ देकर, उसे उन्हीं यादों को याद दिलाकर कि मैं तुम्हें एक पल में छोड़कर गया या गई, मैंने वो स्ट्रेंथ नहीं जुटाई जो तुम चाहते थे मुझ में देखना, मेरी आंखों में देखना, तो इसीलिए शायद मैं अब जाना भी नहीं चाहता या चाहती। मतलब मैं उस चीज़ को लेकर खुद नहीं समझ पा रहा या पा रही, अगर मैं नहीं जाना चाहता या चाहती तो मैं क्यों बात कर रहा हूँ या क्यों बात कर रही हूँ, और अगर मुझे जाना है तो मैं क्यों उठकर नहीं जाता या जाती। तो हर एक चीज़, हर एक बात मुझे अपने ऊपर ही एक स्ट्रेस के तौर पर दिखाई देती है, महसूस होती है। तो ये पर्सन ऐसा बताते हैं, ये बताते हैं उस पल में शायद मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना दब गया था या दब गई थी कि मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस जिम्मेदारी को उठाऊं और किस जिम्मेदारी को छोड़ूं। तो ये भी बताते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जिस भी इंसान से ये सभी चीज़ें बताते हैं, या तो ये इनके परिवार वाले हैं या इनका काफ़ी क्लोज्ड वन है, इन पर ये बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, ऐसे भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं, चाहे इनका कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो। गाइड कीजिए, बताइए ये पर्सन अब क्या बताते हैं लोगों को, दोस्तों को, इस कनेक्शन के बारे में, व्यूअर्स के बारे में। गाइड कीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है आपका 9 of Wands। चांसेस हैं ब्लॉक कर रखा हो इन्होंने आपको, या ब्लॉक भी नहीं कर रखा हो लेकिन आपकी किसी भी बात का, किसी भी मैसेज का ये जवाब ना देते हो, उसके भी मुझे कुछ लोगों के केस में चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ना ये बताते हैं कि एक्चुअली में ना उस पल में ये किसी की बात में आ गए थे, किसी के धोखे में ये आ गए थे, यानी कि किसी ने इनसे 4 बातें कही, इन्हें उन बातों पर भरोसा हो गया, उन बातों से इनका ब्रेन पूरी तरह से वॉश हो गया, और जिसके चलते इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि उसे, मतलब आपको ये छोड़ कर निकल पड़े, आपको छोड़ दिया, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए, या आपसे लड़ाई करनी शुरू कर दी, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो ये बताते हैं कि उस पल में शायद मैं बहक गया था या बहक गई थी, किसी की बातों में मैं इस कदर फंस कर रह गया था या रह गई थी कि मैंने इतना बड़ा कदम ले लिया, मतलब मुझे खुद इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था या हुआ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ या क्या मैंने कर दिया। तो ये बताते हैं, हो सकता है उस पल में इन्होंने अपने पेरेंट्स की सुन ली हो या अपनी सिस्टर, उनके हस्बैंड की सुन ली हो, मतलब किसी कपल की इन्होंने सुनी है, 2 पर्सन की एनर्जीज, वाइब्रेशंस मुझे ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है। तो ये बताते हैं कि भाई मैं शायद, अगर उन्हीं लोगों से बता रहे हैं तो ऑब्वियसली उनसे ये यही बता रहे हैं कि शायद उस पल में मैं तुम्हारी बातों में इस कदर उलझ गया था या तुम्हारी बातों में इस कदर आ गया था या आ गई थी कि मैंने इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया उसे छोड़ने का, उसे ब्लॉक करने का, उसे इग्नोर करने का, जिसका हर्जाना, जिसका भुगतान मैं भुगत रहा हूँ, तुम नहीं। तो ये पर्सन ऐसा भी बताते हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और क्या बताते हैं लोगों को, दोस्तों को। गाइड कीजिए, बताइए। डेथ एंड क्वीन ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये पर्सन ये भी बताते हैं व्यूअर्स, देखिए बॉटम भी यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, कि
एज इन कि ये ना, हालांकि अब हर एक चीज़ को लेकर, हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर, हर एक बात को लेकर, हर एक फीलिंग्स को लेकर एकदम क्लियर हो गए हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा इन्हें चीज़ें क्लियर हो रही हैं, उतना ज़्यादा यही चीज़ें इनके कंधे पर बोझ के तौर पर आ रही हैं, ना कि किसी सॉल्यूशन के तौर पर आ रही हैं। ये बताते हैं कि इन सभी चीज़ों की वजह से जो मेरे में एक घमंड था ना, मैं ये जीत लूँगा या ये कर लूँगी, वो पा लूँगा या वो ऐसा कर दूँगी, वो सभी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ पे और कुछ ख़त्म हुआ या हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मेरे घमंड ख़त्म हो गया, मेरा बेहतर फ्यूचर ख़त्म हो गया, मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, इस चीज़ का एहसास मुझे होता है। ये बताते हैं कि उसने मुझे बहुत सच्चे दिल से प्यार करा। जब भी वो याद आती है या आता है ना, तो मुझे सबसे पहले उसका चेहरा, उसकी फीलिंग्स, उसका दर्द, उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू, वो सभी मुझे याद आते हैं। तो यानी कि मुझे उसका दर्द एक तरह से पूरी तरह से तोड़ जाता है, और मैं जितना ज़्यादा हर एक चीज़ को लेकर, हर एक बात को लेकर क्लियर हो रहा हूँ या हो रही हूँ ना, उतनी ज़्यादा मेरे हिस्से निराशा आ रही है, एक अफसोस आ रहा है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। यानी कि अभिमान भी टूट गया और एक गिल्ट हिस्से आया, पूरी किस्मत मेरी पलट गई, बदल गई। तो ये पर्सन ऐसा बताते हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए ये देखते हैं, अगर इस पर्सन को इतनी ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो रही हैं, इतना ही ज़्यादा गिल्टी हैं, इतना ही ज़्यादा अपने आप को समझ पा रहे हैं, तो क्या इनकी तरफ से अब कोई एक्शंस आने की, कोई मूव आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं, ये देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए कि इन सभी रियलाइजेशंस के बाद व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आने के चांसेस हैं या नहीं, और कब तक, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। Queen of Cups and the Wheel of Fortune। देखिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे चांसेस तो बनते हुए दिख रहे हैं, कि क्योंकि आप लोग में से अधिकतर लोग तो यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस में हैं, तो आपकी डेस्टिनी आपको मिलाएगी, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ें बहुत ज़्यादा आई हैं कि डेस्टाइंड रिलेशनशिप है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि आपका प्यार इस पर्सन को अपनी तरफ खींच कर लेकर ही आएगा। ये पर्सन आपके प्यार के आगे डेफिनेटली मजबूर होंगे, घुटने टेकेंगे, और ये डेस्टिनी आप दोनों को फिर से ना इसी घेरे में फिर से लौटा कर लेकर आएगी। तो ऐसा तो यहाँ पर दिख रहा है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, और मुझे चांसेस दिख रहे हैं 10 यानी कि अक्टूबर मंथ, 10 से लेकर 13 वीक्स या कमिंग अक्टूबर मंथ, इसके मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि इस पर्सन की तरफ से इस एहसास के साथ आपकी तरफ किसी तरह का मूवमेंट आए, या आप लोग अक्टूबर के मंथ तक आते आते यहाँ पे फिर से रीयूनाइट हो जाओ, तो उसके भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के केस में चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो अगर अभी तक आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये रीडिंग आपके दिल को छू रही है, ना कि आपके सर के ऊपर से उतर रही है, तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब्स करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे और आपको समय समय की जानकारी मैं दे पाऊँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को शेयर भी करिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।